हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं राहुल गौतम आज आपके लिए आया हूं क्लास 12th अकाउंटेंसी से कंपनी अकाउंट अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एक्सप्लेनेशन विथ इलस्ट्रेशन नंबर 11 टू 13। ऐसा क्या है खास कि मैं तीन इलस्ट्रेशन लेके आया हूं और साथ में एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि इस वीडियो में बहुत कुछ खास है। ओवर सब्सक्रिप्शन, मतलब यूं कह लो कि सेकेंड टफेस्ट टॉपिक है इस चैप्टर का ये। तो सर, मोस्ट टफेस्ट टॉपिक क्या है? रीइशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, वो सबसे ज्यादा टफ होता है। उसके बाद अगर दूसरी कोई टफ चीज है, दैट इज ओवर सब्सक्रिप्शन। तो आज सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है और कैसे कंपनी ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में शेयर्स का अलॉटमेंट करती है। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि हमें बीइंग एन अकाउंटेंट क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। क्लियर बात है जी? तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको मालूम है मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको मिलता है कंप्लीट एजुकेशन फ्री। कंप्लीट एजुकेशन फ्री मतलब कंप्लीटली फ्री। ऐसा नहीं है कि एक लेक्चर या दो लेक्चर के बाद या दो चैप्टर के बाद आपसे पैसे मांगे जाते हों। यहां पे पूरा सिलेबस एंटायर ईयर बोर्ड पैटर्न को ध्यान में रखते हुए कंप्लीट कराया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अब मैं शुरू करता हूं आज का टॉपिक, दैट इज ओवर सब्सक्रिप्शन। तो आ जाओ, ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? यह एक ऐसी स्थिति है जहां पे कंपनी ने जितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया है उससे ज्यादा एप्लीकेशंस आ चुके हैं। क्लियर बात है जी? तो क्या करें सर? अब मान के चलो इस बात को ऐसे कि आपने एक कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई किया और उस कॉलेज में 100 सीट्स अवेलेबल हैं। अब उनके पास अगर एप्लीकेशन 500 आ जाएं तो क्या करेंगे कॉलेज वाले? कुछ तो उनको मैथोलॉजी अडॉप्ट करना पड़ेगा कि किसको एडमिशन देना चाहिए मुझे। कुछ उसमें वो शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे, इंटरव्यू लेके आएंगे, आपके प्रीवियस एग्जाम के स्कोर चेक कर सकते हैं। तो उनके पास अपनी मेथड अवेलेबल होती है। वैसे ही जब एक कंपनी अपने शेयर्स को बाजार में बेच रही है, बेचने के लिए पब्लिक से क्या किया है? एप्लीकेशन इनवाइट किया है। और एप्लीकेशन जितने हम शेयर्स बेचना चाह रहे हैं उससे ज्यादा अगर एप्लीकेशन आ जाते हैं तो उस स्थिति को, उस सिनारियो को हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। तो अब इसको एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करेंगे हम। ओवर सब्सक्रिप्शन, कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए? मान लीजिए कंपनी ने एप्लीकेशन इनवाइट किया था 10,000 इक्विटी शेयर्स के लिए। कंपनी ने एप्लीकेशन इनवाइट किया था 10,000 इक्विटी शेयर्स के लिए और कंपनी के पास एप्लीकेशन कितना रिसीव हो गया? 20,000 एप्लीकेशन रिसीव हो गए। अब क्या करें सर? करना तो यह है कि मैक्सिमम हम अलॉटमेंट कितना कर सकते हैं? 10,000 शेयर्स का कर सकते हैं मैक्सिमम अलॉटमेंट। अब बचे हुए 10,000 का क्या करें? तो बचे हुए 10,000 से निपटने के लिए हमारे पास तीन ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। ऑप्शन नंबर वन कि बचे हुए 10,000 को रिजेक्ट कर दीजिए, दैट इज नोन एज पार्शियल रिजेक्शन। क्या किया हमने कि जो 20,000 एप्लीकेशन आए थे उन 20,000 के दो पार्ट कर दिए। तो अब उसमें भी ये चीज हो सकती है कि फर्स्ट 20,000 को अलॉट कर देंगे, रिमेनिंग 20,000 को हम मना कर सकते हैं। तो इसके दो पार्ट कर दिए। क्या? फर्स्ट 10,000 को तो हमने फुल अलॉटमेंट दे दिया, बचे हुए 10,000 को हमने रिजेक्शन दे दिया, रिजेक्ट कर दिया, लेटर ऑफ रिग्रेट हमने भेज दिया और बोला कि भैया हम इस बार आपको शेयर्स अलॉट नहीं कर पाए। फर्स्ट ऑप्शन बहुत आसान है, सिंपल है, इसमें हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में भी कोई समस्या नहीं होने वाली है। क्यों नहीं होने वाली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में समस्या? देखो, समस्या क्या थी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की? हमें चाहिए था 10,000 एप्लीकेशन, 20 आ गए, तो एप्लीकेशन मनी भी कितने लिए आया होगा? 20,000 के लिए। तो 10,000 का जो एक्स्ट्रा मनी, एक्सेस एप्लीकेशन मनी आया, उसको क्या करेंगे? अरे शेयर अलॉटमेंट ही नहीं हुआ तो एप्लीकेशन मनी भी वापस कर देंगे विद द लेटर ऑफ रिग्रेट। लेटर ऑफ रिग्रेट भेजेंगे कंपनी साथ में और बोले कि भैया ये आपका पैसा आप वापस रख लो। क्लियर बात है फर्स्ट केस। अब सेकंड केस क्या बोलता है? प्रोराटा। प्रोराटा मतलब ये बोलता है भैया देखो, किसी को भी निराश नहीं करना है, जो आया सबको मिलना चाहिए, है ना, किसी को भी हमें निराश नहीं करना है। तो क्या करें?
फॉर एग्जाम्पल मैंने अप्लाई किया था 20 शेयर्स के लिए, तो कंपनी मुझसे क्या बोल रही है, सर देखो आपने 20 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, हम माफी चाहेंगे आपको 20 शेयर्स तो नहीं अलॉट कर सकते। तो मैंने बोला क्या करोगे, सर हम आपको 10 शेयर्स अलॉट कर रहे हैं, बचे हुए 10 शेयर्स का एप्लीकेशन रिजेक्ट कर रहे हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, प्रोराटा। सभी लोगों में जितने एप्लीकेशन आए उसमें हम उतने शेयर्स को बांट देंगे, कुछ रेशियो डिसाइड करके उसमें बांट देंगे। तो प्रोराटा में इस गिवन केस में क्या होगा, इस गिवन केस में यह होगा कि 20,000 एप्लीकेशंस को आप अलॉट कर दीजिए 10,000 शेयर्स। इसका मतलब क्या होगा, 2:1, जिसने दो शेयर के लिए अप्लाई किया था उसको एक शेयर अलॉट कर दिया जाएगा, बाकी एक शेयर अलॉट नहीं होगा। यह हो गया आपका प्रोराटा। अब प्रोराटा में क्या समस्या है, सर प्रोराटा में देखो एक्सेस एप्लीकेशन मनी यहां भी है आपकी, तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितने शेयर्स की है, मान लो मैंने दो शेयर के लिए अप्लाई किया, एक शेयर मुझे अलॉट हो गया, तो एक शेयर की मेरी एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा है। तो अब कंपनी क्या कर सकती है, वो एक रुपए हो सकता है तुरंत वापस कर दे आपको, या कंपनी ये भी तो बोल सकती है कि सर जो एप्लीकेशन मनी ना हमारे पास रहे दो उसको, क्योंकि एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट का कॉल होगा, फर्स्ट कॉल होगा, सेकेंड कॉल होगा। तो कंपनी क्या बोलेगी, सर आने वाले फर्दर जो कॉल्स है ना उसमें हम आपको जो एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा आपने दिया है उसको हम एडजस्ट कर लेंगे। या पहला ऑप्शन ये है कि कंपनी इमीडिएटली वापस कर दे, या दूसरा ऑप्शन ये है कि उसको अपने पास रोक के रखें, अलॉटमेंट या फर्दर कॉल्स में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अकाउंटिंग एंट्री बनाना पड़ेगा। ये सेकेंड केस था मेरा प्रोराटा। नाउ मूविंग टूवर्ड्स थर्ड केस। क्या है थर्ड केस, पार्शियल रिजेक्शन, पार्शियल प्रोराटा। तो क्या बोला कंपनी ने कि एक काम करो, पार्शियल रिजेक्शन पार्शियल प्रोराटा, आपको एप्लीकेशन 20,000 आए ना, तो एक काम करो आप इस 20,000 के दो पार्ट कर लो, कौन कौन से, एक पार्ट कर लो फर्स्ट 10,000 और सेकंड पार्ट कर लो सेकंड 10,000। तो ये फर्स्ट 10,000 के लिए क्या करो, पार्शियल रिजेक्शन, मतलब इसमें से क्या करो आप 2,000 लोगों को शेयर्स अलॉट कर दो, बचे हुए 8,000 लोगों को रिजेक्ट कर दो, बचे हुए 8,000 लोगों को आप रिजेक्ट कर दिए, 2,000 के लिए अलॉट कर दीजिए। अब यहां पे कितने बचे हैं, 10,000, 10,000 से एप्लीकेशन हैं और शेयर कितने अलॉट कर सकते हैं हम, 8,000। तो रेशो क्या बन गया, 10:8, जिसने 10 शेयर के लिए अप्लाई किया था उसको 8 शेयर हम अलॉट कर देंगे। तो ये क्या हो गया, हाइब्रिड मॉडल बना दिया कि हमने पार्शियल रिजेक्शन भी अडॉप्ट कर लिया और प्रोराटा भी अलॉट कर लिया। तो इन तीन में से कंपनी कोई भी मॉडल अडॉप्ट कर सकती है, यह बात आपको क्वेश्चन में लिखी रहेगी। नहीं लिखी रही है तो आप क्या करना, रिजेक्शन वाला करना कि फर्स्ट को दे देंगे बाकी को हम रिजेक्ट कर लेंगे। अदरवाइज प्रोराटा क्वेश्चन में है या हाइब्रिड मॉडल क्वेश्चन में है तो आपको गिवन रहेगा। यह बात क्लियर हो जानी चाहिए आपको, ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्लियर हो जाना चाहिए और ओवर सब्सक्रिप्शन को हम कैसे सेटल डाउन करने वाले, ये दो बातें अगर आपको क्लियर है तो मैं मूव कर रहा हूं नेक्स्ट टॉपिक, मतलब कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जनरल एंट्री क्या पास करने वाले हो आप। चलो ये क्लियर हो जाता है तो अब हम मूव करते हैं जनरल एंट्रीज, अकाउंटिंग एंट्रीज इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। आ जाओ देखते हैं, पहली एंट्री क्या बनी है, फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ये तो सिंपल एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट कर लिया टू शेयर एप्लीकेशन मनी, ये तो सिंपल एंट्री जो हम नॉर्मल एंट्री करते हैं कर दी। अब क्या करना है, एप्लीकेशन मनी फॉर अलॉटेड शेयर, जिन शेयर्स का अलॉटमेंट हो चुका है उसकी एप्लीकेशन मनी क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे जिनका अलॉटमेंट हो चुका है, और जिनका अलॉटमेंट नहीं हुआ है जो रिजेक्ट हुए हैं तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी के साथ क्या करना है। तो देखो जब पार्शियल रिजेक्शन वाला केस था तो सिंपल क्या कर दो, रिफंड। आपके पास क्या ऑप्शन है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी हुआ तो दो ऑप्शन है, क्या ऑप्शन दो, पहला ऑप्शन रिफंड कर दो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये एंट्री की थी उसकी अपोजिट एंट्री पास कर दो कि भैया हमने वापस कर दिया, हमने रिफंड कर दिया। दूसरा एडजस्टमेंट के लिए रखना है तो एडजस्टमेंट के लिए एंट्री क्या पास होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस इफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी इज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट दी कॉल्स। तो नेक्स्ट जो कॉल होने वाली मेरी, कौन सी कॉल होने वाली है, अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट में पहले से क्रेडिट कर दो और बचा हुआ पैसा उसको कॉल्स इन एडवांस कंसिडर कर लो, तो कॉल्स इन एडवांस में हम उसको ट्रांसफर कर लेंगे। क्लियर बात है जी, ये मैंने लाइबिलिटी बना के रख लिया। ये दो ऑप्शन होते हैं मेरे पास,
पहला ऑप्शन रिफंड, दूसरा ऑप्शन एडजस्टमेंट। अब इन दोनों की मैं कंबाइंड एंट्री भी पास कर सकता था। क्या कंबाइंड एंट्री में क्या होना है, शेयर एप्लीकेशन यहां भी डेबिट है, यहां भी डेबिट है, सिर्फ ये बैंक अकाउंट को उठा के यहां पे नीचे लिख दो। तो जिस अमाउंट से रिफंड हुआ है उसको हम बैंक में डाल देंगे, जो हमने नेक्स्ट कॉल के लिए रखा, फर्दर कॉल्स के लिए रखा, उसको हम कॉल्स में क्रेडिट करके रखेंगे। जैसे कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये तो ट्रांसफर की एंट्री हो गई, ये वाला ट्रांसफर कर दिया हमने जो अलॉटेड शेयर से उसके लिए। फिर टू बैंक अकाउंट, ये रिफंड चला गया। टू शेयर अलॉटमेंट एडजस्टमेंट के लिए, टू कॉल्स इन एडवांस एडजस्टमेंट के लिए। क्लियर बात है जी। और एक बात समझ लो, जो शेयर एप्लीकेशन मनी एक्सेस होती है ना, उसको हम अलॉटमेंट तक ही एडजस्ट कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा कि नहीं इसको फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल तक एडजस्ट कर सकते हैं, तो वहां तक कैरी फॉरवर्ड करके लेके जाएंगे। अगर क्वेश्चन साइलेंट है इस बारे में कि कहां तक हमें इसको एडजस्ट करना है, तो आप सिर्फ और सिर्फ कहां तक लेके जाएंगे, अलॉटमेंट मनी तक लेके जाएंगे। अलॉटमेंट मनी तक का ही पैसा हम अपने पास शेयर एप्लीकेशन का रखेंगे, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो। और क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोलता है कि भैया फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल भी एडजस्ट कर लेना, तो कोई बात नहीं है, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल के लिए भी लेके चले जाएंगे। क्लियर बात है जी। तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में मैंने उसको कैरी कर लिया, शेयर अलॉटमेंट में मैंने शेयर अलॉटमेंट की कॉल को कैरी कर लिया, और बचा हुआ पैसा रिफंड बैंक से कर दिया था, और शेयर कैपिटल का कैपिटल कर दिया। तो ये चार तीन एंट्री ना करते हुए एक सिंगल एंट्री से भी मैं काम कर सकता हूँ। सिंगल एंट्री अगर कंफ्यूजिंग है ना, कोई बात नहीं, अभी लिख के रखो, जब क्वेश्चन हम करेंगे ना तो आपको कंबाइंड एंट्री बहुत आसान लगेगी। क्लियर बात है जी। चलो, तो ये तो हो गई अकाउंटिंग एंट्री इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, अकाउंटिंग एंट्री कैसे पास करनी है, दोनों बात समझ ली। अब तीसरी बात क्या आती है, कैलकुलेशन। उस कैलकुलेशन को हम समझेंगे जरा क्वेश्चन के साथ। तो मेरे पास आता है इलस्ट्रेशन नंबर 11। ध्यान से करेंगे इस क्वेश्चन को, सबसे पहले ध्यान से पढ़ना है, पढ़ते पढ़ते कुछ इंफॉर्मेशन मुझे नोट डाउन कर लेनी है। गुरु लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 5 लाख इक्विटी शेयर्स। कितने के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया, 5 लाख ऑफ 10 ईच एट प्रीमियम। प्रीमियम पे है 5 रुपए का, तो टोटल शेयर की वैल्यू कितनी हो गई, 10 + 5 ₹15 हमने टोटल ₹15 में अपना शेयर बेचा है। बिकॉज ऑफ फेवरेबल मार्केट कंडीशंस द इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब्ड एंड एप्लीकेशन फॉर 15 लाख। देखो भैया, 3 times ओवर सब्सक्राइब हो गया है, 5 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इन्वाइट किए थे, 15 लाख के लिए एप्लीकेशन आ चुके हैं, कैसे करोगे इसका सेटलमेंट। शेयर्स वेर रिसीव्ड, सजेस्ट द अल्टरनेटिव अवेलेबल टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अच्छा, इसमें कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है, उन्होंने सिर्फ हमसे सजेशन मांगा है कि बताइए अब कंपनी क्या करे। तो लिख दो भैया, 3 सिनारियो है कंपनी के पास। पहला सिनारियो क्या है, ये अभी अमाउंट वाली इन्फॉर्मेशन मेरे लिए रिलेवेंट हो गई, मेरे लिए 3 सिनारियो। फर्स्ट सिनारियो में क्या करूंगा मैं, सर देखो 15 लाख शेयर्स आए हैं ना आपके, 15 लाख एप्लीकेशन आए हैं ना, तो एक काम कीजिए 3 लाख लोगों को आप, सॉरी 5 लाख को क्या कर दीजिए, अलॉट कर दीजिए। रिमेनिंग 10 लाख को क्या कर दीजिए, लेटर ऑफ रिग्रेट, मतलब कि रिजेक्ट कर दीजिए। तो 5 लाख का हो जाएगा अलॉटमेंट, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विसेज पे हो सकता है, और इसका क्या हो जाएगा, रिजेक्शन। ये कंपनी के पास पहला अल्टरनेटिव अवेलेबल है, 15 लाख एप्लीकेशन से 5 लाख को शेयर अलॉट कर दो फुल, और बचे हुए 10 लाख को मना कर दो, भैया सीट फुल हो गई है, अब हम आपके शेयर्स अलॉट नहीं कर पाएंगे, विद द लेटर ऑफ रिग्रेट, सॉरी कर दीजिए। अब दूसरा ऑप्शन कंपनी के पास क्या है, प्रोराटा। दूसरा ऑप्शन कंपनी के पास क्या है, कंपनी जा सकती है प्रोराटा अलॉटमेंट में। अब प्रोराटा अलॉटमेंट में क्या होगा, प्रोराटा अलॉटमेंट में होगा कंपनी कि भैया जिन लोगों ने क्या किया, 15 लाख एप्लीकेशन है ना, इनको बांट दीजिए, 15 लाख एप्लीकेशन को बांट दीजिए 5 लाख शेयर्स, तो क्या बन जाएगा, रेशो बन जाएगा 3:1। मतलब क्या हुआ, जिसने 3 शेयर के लिए अप्लाई किया था ना उसको 1 शेयर दे दो, जिस व्यक्ति ने 3 शेयर के लिए अप्लाई किया था उस व्यक्ति को 1 शेयर दे दीजिए, तो ऑप्शन नंबर 2 बन के तैयार हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर 3 भी बनेगा, ऑप्शन नंबर 3 क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 3 बनेगा कि सर एक काम करो, 15 लाख है ना, 2 पार्ट कर लो आप 15 लाख के, कौन से 2 पार्ट कर लो, सर 15 लाख के 2 पार्ट, 2 लाख एप्लीकेंट्स, 5 लाख एप्लीकेंट कर लीजिए सर, इधर
5 लाख एप्लीकेंट इधर कर लीजिए और 10 लाख एप्लीकेंट इधर कर लीजिए। इस 5 लाख में एक काम करो आप सर ना, 3 लाख लोगों को, 2 लाख लोगों को, 2 लाख को क्या कर लो, फुल अलॉटमेंट कर लो। बचे हुए 3 लाख को क्या कर लो, रिजेक्ट कर लो और इनको अलॉट कर लो। अब ये जो 10 लाख लोग हैं ना, इनको आप क्या कर लो, प्रोराटा कर लो। इन 10 लाख एप्लीकेशंस को बचे हुए कितने, 3 लाख शेयर्स अलॉट कर दीजिए। तो रेशो क्या बन जाएगा, 10:3। जिन लोगों ने 10 शेयर के लिए अप्लाई किया था उनको 3 शेयर्स अलॉट कर दो। तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास ये 3 ऑप्शन अवेलेबल है। पहला ऑप्शन है पार्शियल रिजेक्शन, दूसरा ऑप्शन है प्रोराटा और तीसरा है कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन कंपनी यूज कर सकती है, कंपनी यूज कर सकती है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड कर सकते हैं जो भी मेथड उनको सुटेबल लगे। क्लियर बात है जी। चलो ये तो बन गया हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 11 का आंसर। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12, इश्यू ऑफ शेयर्स ओवर सब्सक्राइब रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन मनी एक्सेस एप्लीकेशन। मर्करी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 1 लाख शेयर्स ऑफ 100 ईच। 1 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया था और 100 रुपए का एक शेयर था। मांगे कैसे थे, 30 रुपए एप्लीकेशन पे मांगा था, 30 रुपीज अलॉटमेंट पे एंड बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक है जी, चलो तो उसकी हमें जानकारी नहीं दी है तो बैलेंस बचा क्या, वैसे 40 रुपीज बचा ना बैलेंस, बैलेंस में लिख लो 40 रुपीज बैलेंस बचा हुआ है। चलो एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 1,20,000। कितना एक्सेस आया, 1 लाख के लिए हमने अप्लाई किया था मतलब मांगा था और 120 आ गया, 20,000 एक्सेस एप्लीकेशन आया। शेयर आउट ऑफ विच एप्लीकेशंस फॉर 1 लाख शेयर्स वर एक्सेप्टेड एंड रिमेनिंग एप्लीकेशंस वर रिफ्यूज्ड अलॉटमेंट। अलॉटमेंट मनी वॉज रिसीव्ड ऑन 99,500 शेयर्स पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मर्क्यूरी लिमिटेड। अब मर्क्यूरी लिमिटेड में जर्नल एंट्री पास करने के लिए मुझसे पूछा जा रहा है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाऊंगा और जर्नल एंट्री पास करना स्टार्ट करूँगा। क्लियर है जी, जर्नल एंट्री पास करना स्टार्ट करूँगा तो आई हैव टू टेक वन एडिशनल सीट जहाँ पे मैं आपको जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाने वाला हूँ। तो आपको मालूम होगा जर्नल एंट्री का फॉर्मेट, हाँ जी ऊपर लिख देना जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मर्क्यूरी लिमिटेड और ये बन गया जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। फर्स्ट कॉलम आपका डेट का होता है और लास्ट कॉलम आपका होता है क्रेडिट अमाउंट। इधर होता है मेरे पास लेजर फोलियो के साथ डेबिट अमाउंट और ये बन के कंप्लीट हो जाता है मेरा फॉर्मेट। ऐसे ही बनता है फॉर्मेट, बिल्कुल लिख लीजिए जरा थोड़ी थोड़ी बातों को। क्या ऊपर लिखेंगे आप, जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मर्क्यूरी लिमिटेड। चलिए पहला कॉलम आपका होता है डेट, फिर सेकेंड कॉलम आपका होता है पार्टिकुलर्स, फिर आपका होता है लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। चलो डेट गिवन है क्या, नहीं सर, तो हम एंट्री नंबर से काम चला देंगे। फर्स्ट एंट्री क्या होगी सर, एप्लीकेशन रिसीव होगा तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। चलो तो बना देता हूं फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने रुपए से, तो लिख दो 1,20,000 एप्लीकेशन वेर रिसीव्ड और एप्लीकेशन मनी एक पे कितनी थी, 30 रुपीज, एक शेयर पे 30 रुपीज एट द रेट 30 एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ये मैंने कैलकुलेशन भी ब्रैकेट में लिख दिया है तो 1,20,000 इंटू 30 करेंगे कितना हो जाएगा,
36 लाख। यस, कितना बन जाएगा सर? ये तो हो गया 36, अब जीरो कितनी है, चार और एक इधर पांच, तो बन जाएगा अमाउंट सर 36 लाख रुपीस रिसीव्ड हो गया। कितना रिसीव हुआ? 36 लाख रुपीस रिसीव्ड हुआ है एप्लीकेशन। सेकेंड एंट्री क्या करेंगे? अलॉटमेंट की। तो अलॉटमेंट होगा तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी कहां जाएगा? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो जितने शेयर्स का अलॉटमेंट हुआ है उतना पैसा तो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है जी सर, कर दीजिए। कितना हुआ है? 1 लाख शेयर्स पे हुआ है और एक शेयर का एप्लीकेशन मनी कितना था? 30 रुपीस। तो कहां पर ट्रांसफर कर दोगे? बींग अलॉटमेंट, बींग शेयर अलॉटेड। कितना अलॉट हुआ शेयर? 1 लाख शेयर्स अलॉटमेंट हो गया, तो 30 लाख रुपए तो इधर चला गया। अब देखो आया कितना था एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन पे कितना आया था सर? 36 लाख आया था। अभी 30 लाख रुपए तो सर आपने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, बचे हुए 6 लाख को क्या करें? अरे एप्लीकेशन क्या किया आपने? रिजेक्ट किया है। रिजेक्ट किया तो उनका पैसा वापस कर दीजिए। तो पैसे वापस करने की एंट्री क्या होगी? मैं चाहता कंबाइंड एंट्री कर देता, लेकिन जरा देख लीजिए एंट्री क्या होगी। एंट्री होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। नरेशन क्या लिखेंगे? एक्सेस एप्लीकेशन मनी, एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंडेड। एक्सेस एप्लीकेशन मनी को हमने वापस कर दिया। कितनी थी एक्सेस एप्लीकेशन मनी? 20,000 शेयर्स पे और हर एक शेयर पे 30 रुपए। तो यहां पे कैलकुलेशन भी आ गया। अब कितना हो जाएगा ये? 6 लाख। ये 6 लाख रुपए हमने ईमानदारी के साथ जिनको अलॉट नहीं किया उनका वापस कर दिया। यहां तक बात क्लियर? चलो अब क्या करना है? अब अलॉटमेंट कॉल को ड्यू करना है, अलॉटमेंट की एंट्री भी करना है ना। चलो तो अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री करेंगे और अलॉटमेंट को रिसीव करेंगे। अलॉटमेंट की ड्यू करेंगे और अलॉटमेंट रिसीव करेंगे। तो नंबर 4 पे लिख देता हूं अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने से? फेस वैल्यू से। कितने रुपए मांग रहे हैं हम? हम कितने रुपए मांग रहे हैं? बीइंग अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू। कितनी ड्यू है? 1 लाख शेयर्स पे एट द रेट 30 शेयर्स ईच। कितना हो जाएगा भैया? 30 लाख रुपए फिर से हमने ड्यू कर दिया। ये 30 लाख की ड्यू की एंट्री बन गई आपकी। चलिए जी अब क्या करना है? अब अलॉटमेंट मनी रिसीव करना है, अलॉटमेंट मनी रिसीव करना है। जगह खत्म हो गई है तो एक्स्ट्रा सीट लेके एक एक्स्ट्रा फॉर्मेट बना लेंगे। एक्स्ट्रा सीट लेके ये एक्स्ट्रा फॉर्मेट बन गया, ये बन गया भैया एक्स्ट्रा फॉर्मेट। हाँ जी, एंट्री नंबर 5 क्या होगी सर? पैसे रिसीव करने की एंट्री होगी। तो पैसे रिसीव करने के लिए एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। तो सर कितने से करना है बैंक अकाउंट डेबिट? रुक जाओ, हाँ रुक क्यों जाओ, यहीं ब्रैकेट में लिख लो 99,500 × 30। कहां से लाया सर? देखो ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ देखो, अलॉटमेंट मनी वॉज रिसीव्ड ऑन 99,500 शेयर्स। मतलब 500 पे नहीं आई अलॉटमेंट मनी। कोई बात नहीं, नहीं आई तो क्या करेंगे? नहीं आई तो उसको हम बनाएंगे कॉल्स इन अरियर। क्या बनाएंगे उसको हम? कॉल्स इन अरियर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे कि भैया देखो अभी इतना पैसा
नहीं आया। कितना नहीं आया? 500 शेयर्स पे 30 रुपीस नहीं आया। टू, क्या करने वाले हो? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। टू, शेयर अलॉटमेंट अलॉटमेंट अकाउंट। क्या लिखोगे? अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड लिख दिया। हाँ जी सर, कैलकुलेशन कर लो। तो शेयर अलॉटमेंट तो 30 लाख से जाएगा, ये लो, ये 30 लाख लिख दिया। हाँ जी, अब 500 इंटू 30 तो कितना बनेगा? ये बन गया 15,000, 15,000 रुपए कॉल सिनेरियो है। तो 30 लाख माइनस 15,000 तो कितना बनेगा? 29,85,000 ही बैंक में आया होगा, बचा हुआ 15,000 रुपए नहीं आया। ये बन गई हमारी एंट्री नंबर 5। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन बन गया है। स्क्रीनशॉट ले लो, पहले इसका ले लो स्क्रीनशॉट। यस डन, अब ले लो इसका स्क्रीनशॉट। ये बन गया इसका कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इलस्ट्रेशन नंबर 12। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स इलस्ट्रेशन नंबर 13। आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 13। बड़ा क्वेश्चन है, देखते से ही डर लग रहा है। हाँ जी, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, देखते से ही डर लग रहा है। तीन तीन केस बना के दिए। चलो तो भैया बहुत ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्रिस्टा हॉस्पिटलिटी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 50 ईच पेबल एज अंडर। 10 एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल। 50 रुपये हो गए क्या? हाँ जी सर, 50 रुपये हो गए। अच्छी बात है कि प्रीमियम नहीं है, अभी प्रीमियम होता और कॉम्प्लिकेशन हो जाता। अब हुआ क्या? चलो हाँ, डेट भी लिखा होगा, 2 महीने बाद है। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 4 लाख शेयर्स, 4 गुना ओवर सब्सक्राइब्ड है। 1 लाख एप्लीकेशंस के लिए इनवाइट किया था, 4 लाख एप्लीकेशंस आ गए। शेयर्स ऑन 1 जनवरी 2023 एंड अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन 1 फरवरी 2023। चलो डेट वाइज भी चलना है इस बार। तो पास जनरल एंट्रीज फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। 3 केस में एंट्री पास करनी है। फर्स्ट केस क्या किया उन्होंने? अलॉटेड 1 लाख शेयर्स इन फुल टू द सेलेक्टेड एप्लीकेंट्स एंड द एप्लीकेशंस फॉर द रिमेनिंग 3 लाख शेयर्स वर रिजेक्टेड। मतलब इन्होंने पार्शियल रिजेक्शन रख लिया कि भैया पार्शियल आप अलॉटमेंट कर लो और पार्शियल रिजेक्शन रख लो फर्स्ट केस में। तो फर्स्ट केस में तो एंट्री आसान है, चलो बना लेंगे फर्स्ट केस की एंट्री हम। अब फिर सेकेंड केस में क्या बोल रहे हैं कि अलॉटमेंट ऑफ 25% ऑफ द शेयर्स अप्लाई टू एवरी एप्लीकेंट टू अप्लाई द बैलेंस ऑफ एप्लीकेशन मनी टूवर्ड्स अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड रिफंड द बैलेंस अमाउंट। सेकेंड केस में क्या बोल रहे हैं कि अलॉटमेंट जो हुआ है, अलॉटमेंट ऑफ 25% ऑफ द शेयर्स अप्लाई टू एवरी एप्लीकेंट्स, मतलब रेशियो बना दिया, पुरराटा हो गया, 4:1 बन गया ना, जिसने 4 शेयर के लिए अप्लाई किया उसको 1 शेयर मिला, तो बन गया 25%। क्लियर बात है जी? और क्या बोल रहे हैं? ये तो हो गया हमारा। अब जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी था ना, उसके लिए क्या बोल रहे हैं कि अलॉटमेंट पे जो ड्यू है उतना पैसा बचा लेना, बाकी बचा हुआ रिफंड कर देना, बाकी बचा हुआ रिफंड कर देना। मेरे ख्याल से बचेगा कुछ क्या? नहीं बचना। 10 रुपए अच्छा नहीं, बचेगा बिल्कुल बचेगा। फिर तीसरा क्या है? रिजेक्ट एप्लीकेशंस फॉर 2 लाख शेयर्स, इनको तुरंत पैसा वापस करो। एक्सेप्ट फुल एप्लीकेशन फॉर 80,000, तो इनसे तो कोई झगड़ा ही नहीं है हमारा। शेयर्स एंड मेक अ प्रोराटा अलॉटमेंट ऑफ 20,000 शेयर्स टू रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। एक्सेस एप्लीकेशन मनी टू बी एडजस्टेड टूवर्ड्स अलॉटमेंट एंड कॉल्स। ये तीसरे में सारी पॉसिबिलिटीज कंप्लीट हो जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया, ध्यान से। तो मैं पहले कराता हूं केस नंबर ए, है ना, हम बात करते हैं फर्स्ट केस में। चलो तो फॉर्मेट्स बनाने पड़ेंगे हमें, बिल्कुल एंट्रीज बनानी पड़ेंगी, फॉर्मेट्स बनाने पड़ेंगे। जरा बना लेते हैं भैया फॉर्मेट्स। सबसे पहले जनरल एंट्री का फॉर्मेट बना लेते हैं। और ये कौन से केस में एंट्री हो रही है? ए, सिनेरियो नंबर ए।
मैं जनरल एंट्रीज कर रहा हूं। मैं जनरल एंट्री का फॉर्मेट आप सभी लोग अपनी कॉपी में बना लीजिए। अमाउंट थोड़ा बड़ा आएगा बिल्कुल। हाँ जी, ये बन गया फॉर्मेट, ये कंप्लीट हो गया फॉर्मेट। ठीक है, चलो अब लिख लेते हैं जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ क्रिस्टा लिमिटेड, ना बुक्स ऑफ कंपनी का नाम क्या है, क्रिस्टा, यस सर, क्रिस्टा हॉस्पिटलिटी, क्रिस्टा हॉस्पिटलिटी लिमिटेड। और ये कौन सा केस नंबर है, केस नंबर ए। चलो, डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। क्लियर है जी, चलो आ जाओ। तो फर्स्ट एंट्री कब होने वाली है, कब इन्होंने एप्लीकेशन इशू किए थे, कब आए थे, एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर रुपीज 4 लाख शेयर्स ऑन 1 जनवरी 2023। तो पहली एंट्री कब होगी, 1 जनवरी 2023 को, 1 जनवरी 2023 एंट्री बनेगी फर्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट, एंट्री बनेगी फर्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर एप्लीकेशन, टू शेयर एप्लीकेशन कितने रुपए से बनेगी सर, 4 लाख शेयर के लिए एप्लीकेशन आए हैं और एक शेयर पे 10 रुपए एप्लीकेशन मनी आना था, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ये बन गया मेरा नरेशन। कितने रुपए से कर लो, 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 10, 4 लाख को 10 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 40 लाख। हाँ जी, आ जाएगा 40 लाख। क्लियर है जी, चलो सेकेंड एंट्री क्या करेंगे हम, कब अलॉटमेंट किया है, एंड अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन 1 फेब 2023। तो अब एंट्री होगी कब, 1 फेब 2023 को, 1 फेब 2023। मैं कंबाइंड एंट्री पास कर रहा हूं इस क्वेश्चन में। तो देखो क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन को डेबिट करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितने से, पूरा 40 लाख से कर दो। टू शेयर कैपिटल, जिनको अलॉटमेंट हुआ है, टू शेयर कैपिटल जिनको अलॉटमेंट हुआ है उनका एप्लीकेशन कहां ट्रांसफर हो जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट में, और जिनको रिजेक्शन हुआ है उनको हम पैसे वापस कर देंगे, पैसे वापस कर देंगे तो बैंक अकाउंट। ठीक है जी, चलो तो कितने लोगों का रिजेक्शन हुआ था, 3 लाख शेयर्स का रिजेक्शन हुआ था, 10 रुपए के भाव से उनका पैसा था, तो ये चला जाएगा 30 लाख रुपए बैंक से वापस। हाँ जी, 30 लाख रुपीस वापस चला गया, 10 लाख रुपीस आपका चला गया शेयर कैपिटल अकाउंट में क्योंकि इनको अलॉटमेंट हुए शेयर्स, और यहां पे 40 लाख रुपीस शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्ट हो गया। ये बन गई हमारी दूसरी एंट्री, क्या लिखेंगे, शेयर अलॉटेड, शेयर अलॉटेड। चलिए जी, अब क्या करें, अब अलॉटमेंट मनी कॉल करेंगे, कब करना है, लिखा हुआ है ऑन अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट कब किया है, 1 फेब को, तो 1 फेब को ही पैसे मांग लेंगे, 1 फेब को ही मांग लेंगे। चलो तो 1 फेब को अलॉटमेंट का पैसा मांग लें, हाँ जी मांग लीजिए, ये लो। तो अब एंट्री क्या बनेगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट,
शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल कितने रुपए से सर? हाँ जी कितने रुपए से? तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 1 लाख को अलॉटमेंट हुआ था और एक शेयर पे कितने रुपए मांगना है? 15। और एंट्री का यहां पे नरेशन क्या लिखोगे? अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू 1 लाख × 15, तो कितने लाख रुपए? 15 लाख रुपए हमने अलॉटमेंट के लिए मांग लिए। और ऐसा कुछ भी नहीं लिखा कि अलॉटमेंट मनी आया कि नहीं आया, तो वी विल अज्यूम कि अलॉटमेंट मनी हमें रिसीव्ड हो गया होगा, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड हो गया होगा। तो रिसीव की एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है जी। तो क्या लिखोगे? अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, ये बन गया मेरा नरेशन भी और ये कंप्लीट हो जाता है। कितना लाख रुपए मिल गया होगा? 15 लाख, क्योंकि इसमें मुझे नहीं लिखा कि कोई कॉल्स एरियर हुआ है कि नहीं हुआ। देखो जरा, यहां तक कोई समस्या है क्या? नहीं है ना, कोई समस्या नहीं है, अलॉटेड हो गया और पैसे। अब क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट कॉल कब ड्यू करना है? ड्यू 2 मंथ्स आफ्टर द अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट कब हुआ था? 1 फेब, तो 1 फेब से 2 महीने लगा लो, मार्च और अप्रैल, 1 मार्च और 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल को इन्होंने क्या मांगा होगा? फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल की ड्यू एंट्री कर लेते हैं, आ जाओ, फर्स्ट कॉल की ड्यू एंट्री कर लेते हैं। ये हो गया, चलो एडिशनल स्लाइड लेना पड़ेगा। हाँ जी, ये रही एडिशनल स्लाइड। और इस पे क्या बनाओगे आप? पहले बनाओगे फॉर्मेट। फॉर्मेट तो आपको क्लास 11 से पढ़ाते आ रहा हूं, बना लो फॉर्मेट। ये डेट और ये अमाउंट और ये बनता है जनरल फोलियो के साथ अमाउंट, लेजर फोलियो के साथ अमाउंट, ठीक है। चलो क्या करना है? फर्स्ट कॉल ड्यू करना है। फर्स्ट कॉल ड्यू कब होगी? 1 अप्रैल 23, राइट? 23 लिख रहे हैं ना हम? हाँ जी सर, 23 लिख रहे हैं। चलो कितने रुपए की फर्स्ट कॉल? 15 रुपए की। तो एंट्री क्या बनेगी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने से सर? 1 लाख इक्विटी शेयर्स हैं और 15 रुपए एक पे मंगाना है, तो टोटल कितने रुपए मंगाओगे? 15 लाख रुपए मंगाएंगे सर। ये लो 15 लाख रुपए मंगा लिए। अब क्या करना है? नरेशन भी तो लिखोगे। फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल ड्यू। चलो फिर क्या पैसे आ जाएंगे? तो पैसे आने की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, ये आ गए आपके पैसे। फर्स्ट कॉल रिसीव्ड, फर्स्ट कॉल रिसीव्ड, आ गए पैसे। कितने आ गए? 15 लाख रुपए इधर आ गए और 15 लाख रुपए इधर आ गए, ठीक है जी। चलो अब क्या करना है? सेकेंड कॉल, सेकेंड कॉल के लिए क्या लिखा है? ऑन सेकेंड कॉल एंड फाइनल कॉल ड्यू 2 मंथ्स आफ्टर फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल 1 अप्रैल को हुई थी, तो मई और जून, तो 1 जून को हो जाएगी सेकेंड कॉल, 1 जून को हो जाएगी सेकेंड कॉल, आ जाओ। तो 1 जून को कर लेते हैं हम सेकेंड कॉल। सेकेंड कॉल की एंट्री क्या होगी? अगेन सर, शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट कितने से?
सर 1 लाख इक्विटी शेयर्स हैं और एक शेयर पे 10 रुपए मंगाना है। टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल में चला जाएगा ये वाला फिगर, शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या लिखोगे? सेकंड कॉल ड्यू लिख दिया। इधर अमाउंट कितना हो जाएगा? 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10, तो अमाउंट बन गया 10 लाख। चलिए ये भी हो गया। अब पैसे रिसीव करने की एंट्री, सेकंड कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। नरेशन सेकंड कॉल रिसीव्ड, कितने रुपए मिले होंगे? 10 लाख रुपए मिले होंगे। ये बन गई सारी एंट्रीज फर्स्ट ऑप्शन में। किसमें बन गई ये सारी एंट्रीज? फर्स्ट ऑप्शन में। अब क्या करेंगे? अब आएंगे सर हम केस नंबर बी। केस नंबर बी आ जाइए जरा। केस नंबर बी में क्या लिखा हुआ है? केस नंबर बी ध्यान से पढ़ेंगे, प्रोराटा का है और प्रोराटा में क्या करना जरा हम ध्यान से देखेंगे। चलो ठीक है, तो इसको जरा अपन हटा लेते हैं क्योंकि केस बी करना है अपने को, तो ध्यान से समझना पड़ेगा ठीक है। और ये भी हम इसको हटा देते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे दूसरा सॉल्यूशन चाहिए। कौन सा सॉल्यूशन चाहिए सर? यहाँ पे हमें चाहिए रहेगा सॉल्यूशन बी केस का, उसके लिए हमने स्पेस खाली यहाँ पे कर लिया है। और अब हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, पहले बी केस एक्चुअली क्या है, कैसे इसमें प्रोराटा अलॉटमेंट हुआ है, उसके ऑप्शंस बनाएंगे, फिर इसमें जनरल एंट्रीज हम पास करने वाले हैं। चलिए तो केस बी डिस्कस करते हैं। केस बी में क्या पूछा हुआ है? अलॉटमेंट ऑफ 25% शेयर्स। तो 25% शेयर अलॉटमेंट का मतलब क्या हुआ? देखो कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आए थे? 4 लाख। अब 4 लाख का 25% कितना हो गया? 1 लाख। इतने ही हमने शेयर्स इशू किए थे? यस सर, 1 लाख शेयर्स ही आपने इशू किए थे। मतलब रेशो बना 4:1, सबको मिला, प्रोराटा अलॉटमेंट है। तो एडिशनल 3 लाख रुपीज पे जो एप्लीकेशन मनी आया, दैट इज एक्सेस एप्लीकेशन मनी। कितना एक्सेस एप्लीकेशन मनी है? लगा लीजिए भैया एप्लीकेशन कितना है? 10 रुपए। और एक्सेस एप्लीकेशन कितने हैं? 3 लाख। तो 3 लाख को मल्टीप्लाई कर लीजिए 10 से, तो 30 लाख रुपीज जो है वो आपको एक्सेस मनी प्राप्त हुआ है। अब इस एक्सेस मनी के लिए क्या लिख रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन बोलता है कि जो आपके पास आया है एक्सेस मनी, दैट हैज टू बी अप्लाई टू एवरी एप्लीकेंट टू अप्लाई द बैलेंस ऑफ एप्लीकेशन मनी टूवर्ड्स अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड रिफंड द बैलेंस अमाउंट। बोल रहे हैं कि बैलेंस अमाउंट को रिफंड करना है और अलॉटमेंट का पैसा बचा के रख लीजिए। तो अलॉटमेंट पे कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी मुझे? सर 15 रुपए है एक शेयर पे अलॉटमेंट, और टोटल कितने शेयर्स पे अलॉटमेंट किया है? 1 लाख शेयर्स पे अलॉटमेंट किया है। तो 15 लाख रुपीज की आवश्यकता पड़ने वाली है मुझे एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। तो 15 लाख रुपए, 30 लाख में से 15 लाख रुपए मैं अलॉटमेंट के लिए रखूंगा, बचे हुए 15 लाख रुपए मैं बैंक के माध्यम से वापस कर दूंगा। क्लियर बात है जी? तो 30 लाख रुपीज एक्सेस मनी है, 15 लाख रुपए अलॉटमेंट में इस्तेमाल हो जाएगी, बचा हुआ 15 लाख हम वापस कर देंगे। ये बात समझनी थी, इसमें स्पेशल थी। अब क्या करेंगे? जनरल एंट्रीज पास करेंगे। जनरल एंट्री पास करने के लिए क्या चाहिए मुझे? फॉर्मेट चाहिए जनरल एंट्री का। चलो तो बना लेंगे फॉर्मेट ऑफ जनरल एंट्रीज। ये बन गया आपके पास जनरल एंट्री का फॉर्मेट। चलिए ये फॉर्मेट हो गया क्या? हाँ जी सर। अब इसमें क्या आएगा? डेट आएगा और लास्ट वाला क्रेडिट अमाउंट होता है। ये वाला कॉलम होता है मेरा जनरल फोलियो, लेजर फोलियो के साथ डेबिट अमाउंट। और इधर से हम डालते हैं एक ऊपर से लाइन जहां पे लिखते हैं हम ट्रांजेक्शन के बारे में, ठीक है। चलो तो क्या लिखना है यहां पे मुझे? ये मेरा डेट कॉलम है, ठीक है जी सर। ये मेरा पर्टिकुलर्स वाला कॉलम है, ठीक है सर, पर्टिकुलर्स लिख दीजिए आप। और ये हमारा LF है, लेजर फोलियो नंबर। ये डेबिट अमाउंट होता है एंड दिस इज क्रेडिट अमाउंट। फर्स्ट एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कब करना है? देखो शेयर एप्लीकेशन कब रिसीव हुआ था? 1 जनवरी को, 1 जनवरी 2023 को। ये कर दी मैंने 1 जनवरी 2023 को एंट्री कर दी। क्या एंट्री करूंगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू
शेयर एप्लीकेशन मनी, टू शेयर एप्लीकेशन मनी, और शेयर एप्लीकेशन में लिखते हैं, मनी नहीं लिखेंगे चलेगा, शेयर एप्लीकेशन, ओनली शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। चलो नरेशन क्या लिखोगे, एप्लीकेशन रिसीव्ड, एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 4 लाख शेयर्स एट द रेट 10 ईच, एट द रेट 10 ईच, नरेशन भी हो गया। अमाउंट कितना हो जाएगा, 4 लाख इंटू 10, 40 लाख्स, 40 लाख रुपए जो है वो हमें एप्लीकेशन पे रिसीव हुए हैं, ठीक है जी सर। ये मैंने 40 लाख रुपए इधर लिख दिया। अब आते हैं सेकेंड ट्रांजेक्शन, सेकेंड ट्रांजेक्शन कब करेंगे, जब अलॉटमेंट होगा। अलॉटमेंट कब हुआ है देख लेते हैं, अलॉटमेंट कब किया इन्होंने, फर्स्ट फैब को किया है, तो फर्स्ट फैब को करेंगे सेकेंड एंट्री। फर्स्ट फैब को क्या एंट्री होने वाली है सर, शेयर एप्लीकेशन को ट्रांसफर कर देंगे, कहां पे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, यहीं पे डिफरेंशिएटर आ रहा है भैया ना, देख ध्यान से देखना, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में कितना, फेस वैल्यू, कितने की फेस वैल्यू, जितना हमने शेयर्स अलॉट किया है, कितना अलॉट किया भैया सर, आपने अलॉट किए हैं 1 लाख शेयर्स और एक शेयर का एप्लीकेशन था 10 रुपए, तो 10 लाख रुपीज कहां पे जाएगा, शेयर कैपिटल में, 10 लाख रुपीज कहां पे जाएगा, शेयर कैपिटल में, क्लियर है। हाँ जी सर, ये लो शेयर कैपिटल में 10 लाख रुपीज लिख दिया। चलो और इधर कितना जाएगा एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन में तो सर 40 लाख ही जाने वाला है, कंबाइंड एंट्री पास हो रही है यहां पे, ध्यान से देखेंगे। टू अलॉटमेंट में कितना इस्तेमाल करना है, उतना हम शेयर अलॉटमेंट में डाल देंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना जाएगा अलॉटमेंट में, अभी हमने कैलकुलेशन किया था 15 लाख रुपए, एक शेयर पे 15 रुपए और टोटल 1 लाख शेयर पे हमने अलॉटमेंट किया है। बचा हुआ पैसा क्या कर दो, वापस कर दो बैंक के माध्यम से, तो हो जाएगा टू बैंक अकाउंट, कितना बचा है 15 लाख रुपए बचा है। देखो एंट्री टैली हो गई आपस में, यस सर एंट्री टैली हो जानी चाहिए। नरेशन लिख दो, एक्सेस एप्लीकेशन मनी, एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंडेड, रिफंडेड, ठीक है जी, बिल्कुल सर। चलो ये हो गई हमारी सेकेंड एंट्री, बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसका कैलकुलेशन जो है वो इंपॉर्टेंट था। सर शेयर अलॉटमेंट में 15 लाख कैसे डाले, फिर से बता देता हूँ, 1 लाख शेयर का अलॉटमेंट हुआ है और एक शेयर पे अलॉटमेंट मनी मुझे कितने चाहिए, 15 रुपए चाहिए, तो 15 लाख रुपए मैंने जो एक्सेस 30 लाख रुपीज था उसमें से 15 लाख रुपए रोक लिया फॉर शेयर अलॉटमेंट, और उसके बाद क्या किया मैंने, बाकी बचा हुआ पैसा वापस कर दिया, क्वेश्चन में लिखा था कि अलॉटमेंट तक करना, नहीं लिखा तब भी हम अलॉटमेंट तक का ही एडजस्ट करेंगे, उसके बाद के पैसा वापस कर देंगे, क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट क्या होना चाहिए, दो एंट्री हो जाती है, नेक्स्ट एंट्री क्या होना चाहिए, अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट फैब को, और उसके बाद क्या लिखा है, हाँ उसके बाद पैसे कब मांगे थे, 2 महीने बाद मांगे थे ना, लिखा था कहीं फर्स्ट कॉल ड्यू 2 मंथ्स आफ्टर द अलॉटमेंट। चलो तो अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री कर लें, अलॉटमेंट ड्यू फर्स्ट फैब की हो जाएगा, अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री क्या होने वाली है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल, हाँ जी सर शेयर कैपिटल अकाउंट कर दीजिए, अलॉटमेंट मनी कॉल्ड, अलॉटमेंट मनी ड्यू भी लिख सकते हो आप, अलॉटमेंट मनी इज ड्यू, नरेशन हो गया। अब जरा मुझे बताइए कितने से, अलॉटमेंट पे 15 लाख रुपए की आवश्यकता थी, 15 लाख रुपए हमने मांग लिए, अब मुझे बताओ क्या यहाँ पे अलॉटमेंट में बैंक वाली एंट्री होगी, नहीं होगी सर, क्यों नहीं होगी, 15 लाख रुपए मांगने थे, 15 लाख रुपए ऑलरेडी शेयर अलॉटमेंट में डेबिट पड़े हुए हैं, देखो एंट्री कैंसिल हो गई शेयर अलॉटमेंट सर, अब फिर से बैंक करने की जरूरत है क्या, नहीं, अलॉटमेंट पे इस बार कोई भी पैसा नहीं आएगा क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी एप्लीकेशन के साथ आपको ज्यादा पैसा दे दिया था,
याद रखेंगे इस बात को, इसलिए यहां पे बैंक वाली एंट्री नहीं होगी। अब सीधा क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल ड्यू कर देंगे। फर्स्ट कॉल कब ड्यू हो रही है, फर्स्ट कॉल ड्यू 2 months आफ्टर द अलॉटमेंट, तो फरवरी में अलॉटमेंट हुआ, मार्च अप्रैल, तो फर्स्ट अप्रैल को अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल मांग लेते हैं। चलो तो फर्स्ट अप्रैल को क्या मांगेंगे हम, फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री क्या होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। चलिए नरेशन क्या लिखेंगे, फर्स्ट कॉल शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू, शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू, ठीक है जी। चलो कितने रुपए से, यहां भी 15 रुपए मांगा था और कितने शेयर्स हैं, 1 लाख शेयर्स हैं, तो अमाउंट कितना बन जाएगा, 15 लाख रुपीस बन जाएगा। क्लियर है जी। अब यहां पे जगह नहीं है तो मैं एडिशनल पेज लूंगा, एडिशनल पेज लूंगा और वहां पे फॉर्मेटिंग करूंगा और उसके बाद हम जनरल एंट्री बनाना स्टार्ट करेंगे। ये आ गया एडिशनल पेज पे हमारा फॉर्मेट, डेट लास्ट कॉलम इज क्रेडिट अमाउंट, सेकेंड लास्ट कॉलम इज डेबिट अमाउंट विथ लेजर फोलियो, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब फर्स्ट कॉल ड्यू तो कर दिया, फर्स्ट कॉल रिसीव भी कर लेंगे, फर्स्ट कॉल रिसीव करने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कुछ भी कॉल सिनेरियो नहीं है तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट कॉल रिसीव्ड, फर्स्ट कॉल रिसीव, कितने रुपए रिसीव हुए होंगे, 15 लाख रुपए रिसीव हो गए हैं यहाँ पे टोटल। अब सेकेंड एंड फाइनल कॉल है, कब करना है सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू 2 months आफ्टर द फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल हुई थी 1 अप्रैल को, तो 1 मई और 1 जून को होगी, 1 जून को ड्यू कर लेंगे सेकेंड एंड फाइनल कॉल, 1 जून को ड्यू करेंगे सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने से, फेस वैल्यू 10 रुपए का है फेस वैल्यू सेकेंड कॉल का, तो 10 × 1 lakh, तो 10 lakh रुपीस का डिमांड किया यहां पे हमने, 10 lakh रुपए मांग लिए कि भैया शेयर होल्डर 10 lakh रुपए दे दो फाइनल कॉल के, ठीक है। और यहां पे नरेशन क्या लिखोगे, सेकेंड कॉल ड्यू, सेकेंड कॉल ड्यू, चलिए ये भी लिख दिया। अब पैसे रिसीव हो जाएंगे तो रिसीव होने की एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट, सेकेंड कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, क्या लिखेंगे, सेकेंड कॉल रिसीव्ड, सेकेंड कॉल रिसीव्ड, कितने रुपए आए होंगे, 10 lakh रुपए मांगे थे तो 10 lakh रुपए ही आए होंगे। चलो ये बन गया है बी नंबर का कंप्लीट सॉल्यूशन, तो स्क्रीनशॉट लेना कतई ना भूलें, ले ले मतलब ये लीजिए, मैं थोड़ा सा स्क्रीन आउट हुआ सो दैट यू कैन हैव प्रॉपर स्क्रीनशॉट। ये केस नंबर बी था, ये ऊपर लिख लो केस नंबर बी था, ठीक है। अब इसके बाद क्या करने वाले हम, केस नंबर सी सॉल्व करेंगे, तो केस नंबर सी के लिए मैं यहां पे एडिशनल सीट्स ले लेता हूं, ठीक है। चलो केस नंबर बी हो गया, केस नंबर सी पे एडिशनल सीट ले लिया मैंने और ये सब हटा देता हूं मैं वर्किंग, क्योंकि केस नंबर सी की वर्किंग करना है मुझे। अब ध्यान से पढ़ेंगे, ये केस नंबर सी है ना, इस पे जरा फोकस कर लो, फोकस इस पे कर लो, केस नंबर सी क्या लिखा है, रिजेक्ट एप्लीकेशन फॉर 2 lakh शेयर्स, 2 lakh को तो पहले ही मना कर दो आप, एक्सेप्ट फुल एप्लीकेशन ऑफ 80,000, इनको फुल एप्लीकेशन ले लो शेयर्स, एंड मेक अ प्रोराटा अलॉटमेंट ऑफ 20,000 शेयर्स टू रिमेनिंग एप्लीकेंट्स, एक्सेस एप्लीकेशन मनी टू बी एडजस्टेड टूवर्ड्स अलॉटमेंट एंड कॉल्स। अब जिनको प्रोराटा हुआ है उनका एक्सेस एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट एंड कॉल में इस्तेमाल करना है, वापस नहीं करना है, किसका वापस नहीं करना है,
जिनका प्रोराटा अलॉटमेंट हुआ है, जिनका फुल हुआ तो उनके पास तो कोई एक्स्ट्रा है ही नहीं, हाँ, लेकिन जिनका क्या हुआ है, रिजेक्शन हुआ, उनका पूरा पैसा वापस कर देंगे। आ जाओ, तो तीन केस बनते हैं हमारे पास, ठीक है जी। आ जाओ, इसको थोड़ा सा हम वर्किंग नोट बना लेते हैं इधर। क्या वर्किंग बना लेंगे कि कैसे इसका एडजस्टमेंट होने वाला है। टोटल शेयर्स कितने हैं? 1 लाख, एप्लीकेशंस 4 लाख। तो 4 लाख एप्लीकेशन का सेटलमेंट कैसे किया? सेटलमेंट के लिए क्या लिखा कि फर्स्ट 2 लाख को आप रिजेक्ट कर दो, फर्स्ट 2 लाख को रिजेक्ट कर दो। रिजेक्ट करोगे तो इसको क्या करना है, पैसा रिफंड करना है। कितने रुपए रिफंड करना है? रिफंड कर दो 2 लाख रुपए के शेयर्स हैं और 10 रुपए एक शेयर्स पे आया होगा, 20 लाख रुपए का रिफंड। तो ये बन गया मैंने जिनको मना कर दिया। दूसरा क्या बोलता है क्वेश्चन कि एप्लीकेंट्स फॉर 80,000 शेयर्स एंड एक मिनट एक्सेप्ट फुल एप्लीकेशन फॉर 80,000। नेक्स्ट 80,000 को फुल मिल गया, इनका कोई रिजेक्शन, इनका कोई रिफंड बनेगा क्या? नहीं, इनका कोई रिफंड बनेगा? नो रिफंड और नो एडजस्टमेंट। इनका ना कोई रिफंड बन रहा है, ना हमें इनका कोई एडजस्टमेंट करना है, ठीक है जी। यहां तक बात क्लियर है? अब तीसरा केस देखो, कितने अभी तक एप्लीकेशन सेटल कर दिए मैंने? 2,80,000 सेटल कर दिए। बचे कितने हैं? 4 लाख माइनस 2, तो 2 लाख बचा, 2 लाख माइनस 80, तो 1,20,000 एप्लीकेशन बचे हैं। अब 1,20,000 एप्लीकेशन को क्या बोला जा रहा है कि भैया देखो कितने शेयर्स बचे? 1 लाख तो मेरे पास शेयर्स थे, तो 80,000 अलॉट कर दिए, 20,000 शेयर्स अलॉट कर दो। 1,20,000 को 20,000 शेयर्स अलॉट कर दो, मतलब 6:1। जिसने 6 शेयर के लिए अप्लाई किया, जिसने 6 शेयर के लिए अप्लाई किया उसको क्या करना है? हमें एक शेयर अलॉट करना है। यहां तक क्लियर बात है? अब देखना, बात को समझना। तो यहां पे एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना है पहले वो कैलकुलेट कर लो। एक्सेस एप्लीकेशन मनी है 1,00,000 × 10, 10 लाख रुपए का यहां पे एक्सेस एप्लीकेशन मनी है, ठीक है जी। कैसे निकाला? 1 लाख एप्लीकेशन एक्स्ट्रा हुआ क्योंकि 120 में 20 तो अलॉट हो गए, 1 लाख एक्स्ट्रा हुआ है, तो एक्स्ट्रा 10 रुपए एक एप्लीकेशन पे था, तो 10 लाख रुपए एप्लीकेशन। अब मुझे बताओ अलॉटमेंट में कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी? 20,000 × 15, 3 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी अलॉटमेंट में। इसके अलावा फर्स्ट कॉल में कितने की जरूरत पड़ेगी? सर फर्स्ट कॉल में आपको जरूरत पड़ेगी फिर से 15 रुपए की है फर्स्ट कॉल, तो 3 लाख रुपए की जरूरत आपको फर्स्ट कॉल में पड़ गई। चलो अब फाइनल कॉल में कितने की जरूरत पड़ेगी? 20 × 10, 2 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। चलो तो टोटल कितना रुपए की जरूरत पड़ने वाली मुझे एडजस्टमेंट के लिए एंड कॉल्स के लिए? कितनी जरूरत पड़ेगी? सर 3+6+2, 8, और टोटल एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा कितना है? 10 लाख का। तो 10 लाख का एक्स्ट्रा है और 8 लाख रुपए मैं एडजस्ट कर लूंगा अलॉटमेंट एंड कॉल्स में, अभी भी कितना रुपए बच गया? 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए क्या कर दोगे आप? रिफंड कर दोगे। एडजस्टमेंट के बाद भी एक्स्ट्रा बच रहा है तो उसको मैं रिफंड कर दूंगा। ये वर्किंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो वर्किंग आपको दिख रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्किंग अगर आपने समझ लिया तो उसके बाद तो मुझे सिर्फ डेबिट और क्रेडिट जनरल एंट्री ही पास करना है, जनरल एंट्री ही पास करना है। अगर ये क्लियर है वर्किंग आपको, तो लास्ट मैंने सबसे पहले मैंने वर्किंग बनाया सो दैट वर्किंग से क्या है पिक्चर क्लियर है कि अमाउंट कितना आएगा कहां पर, अमाउंट कहां पे कितना आने वाला है। वर्किंग मेरी एकदम क्लियर है जी, ठीक है। चलो तो आ जाओ जरा एंट्री पास करना स्टार्ट करते हैं, एंट्री पास करना स्टार्ट करेंगे अब। वर्किंग क्लियर है? हाँ, देखो ये वाला केस क्या है? प्रोराटा। ये वाला क्या है? रिजेक्शन। ये क्या है? फुल अलॉटमेंट। तीनों ही केस इस क्वेश्चन में है। अब ये मैं टेबल नहीं साफ कर रहा हूं क्योंकि बार बार मैं इस टेबल पे आऊंगा कि अमाउंट चेक करने के लिए। एडिशनल सीट लेता हूं जहां पे केस नंबर 3 लिखूंगा और जनरल एंट्री पास करूंगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मुझे जनरल एंट्री ही बनानी है। ये पूरे चैप्टर में आपसे जनरल एंट्री ही पूछेगा और जनरल एंट्री में सबसे ज्यादा परेशान करने वाली चीज होती है ये कैलकुलेशन अमाउंट, है ना। मतलब जो आपके कॉम्प्लिकेशन है वो अभी स्टार्ट होना, अभी तो आपसे मैं कॉल्स इन एरियर कॉल्स इन एडवांस वगैरह भी नहीं आया, तो कॉम्प्लिकेशन यहीं से स्टार्ट होते हैं। कोई बात नहीं सर, हम सिस्टम प्रोसेस फॉलो करेंगे, कभी गलत नहीं आएगा। ये लो, ये क्या बन गया? जनरल का फॉर्मेट बन गया, ठीक है। क्या लिखोगे ऊपर? केस नंबर सी। ये कौन सा है? केस नंबर सी। फर्स्ट कॉलम हम जानते हैं डेट होता है, सेकंड कॉलम हम जानते हैं सर पर्टिकुलर्स होता है, एंड एलएफ डेबिट अमाउंट
एंड क्रेडिट अमाउंट। क्लियर है जी। चलो पहली एंट्री कब होनी है? फर्स्ट जैन को। फर्स्ट जैन की एंट्री तो तीनों ही केस में एक जैसी होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। चलो कितने रुपए से? 4 लाख × 10 = 40 लाख। एप्लीकेशन तो चारों ही केस में बराबर आए हैं ना, 40 लाख रुपए का ही एप्लीकेशन आया है, ठीक है जी। नरेशन क्या लिखोगे? एप्लीकेशन रिसीव्ड, एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 4 लाख शेयर्स एट द रेट 10 ईच। चलिए अब अलॉटमेंट कब हुआ था? 2 महीने बाद, 1 फेब को हुआ था अलॉटमेंट। तो सबसे पहले अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री कर लो। हाँ कर लेते हैं, अलॉटमेंट ड्यू नहीं, अभी इसको क्या करना है? ट्रांसफर करना है पहले। हाँ ट्रांसफर करना, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है, अलॉटमेंट ट्रांसफर करना है। तो देखो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, यस सर ये तो हमें मालूम है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितने से करोगे? 40 लाख से करेंगे सर, जितने से ऊपर क्रेडिट हुआ है उतने से हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे। अब इसके अगेंस्ट में क्रेडिट क्या क्या करने वाले हो जरा बता दो। तो सबसे पहले सर जितना शेयर अलॉट हुआ है उसका फेस वैल्यू जो है वो कहाँ ट्रांसफर कर दीजिए? शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। कर दिए भैया शेयर कैपिटल अकाउंट में, कितना? 1 लाख शेयर्स जो है वो अलॉट हुए हैं और 10 रुपए एप्लीकेशन था, तो 10 लाख रुपए तो शेयर कैपिटल में चले गए। वेरी गुड, 10 लाख रुपए कहां चले गए? शेयर कैपिटल में। अब क्या करना है? कितने रुपए हैं जो कि आपको एडजस्टमेंट करने हैं, एडजस्ट करना है किसके लिए? कॉल्स इन एडवांसेस, मतलब कि शेयर अलॉटमेंट और कॉल्स के लिए कितना रुपए एडजस्ट करना है? आ जाओ देखो भैया पिछली स्लाइड पे बनाया था, कितना? 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपए को क्या बना लो आप? कॉल्स इन एडवांस। इस 8 लाख रुपए को हम बना लेंगे कॉल्स इन एडवांस, ठीक है जी। तो कॉल्स इन एडवांस को मैं क्रेडिट कर देता हूं, कॉल्स इन एडवांस मतलब कि पैसा पहले ही दे दिया, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। वर्किंग नोट के लिए रेफर कर देना, यहां लिख देना वर्किंग नोट नंबर 1 जो मैंने बनाया, कितने रुपए? 8 लाख रुपए। चलिए अब क्या करना है? टू बैंक बचा हुआ पैसा वापस कर दो। सर कहां से करें बचा हुआ पैसा वापस? देखो वर्किंग नोट बनाया है, 20 लाख रुपए तो यहां का रिफंड करना था इन लोगों का जिनको हमने कुछ भी अलॉट नहीं किया था, रिजेक्शन दे दिया था, बोला था सॉरी नहीं रिजेक्ट हम आपको अलॉट कर पाएंगे, और 2 लाख रुपए जिनका प्रोराटा था उनका भी एक्सेस बन रहा था। तो टोटल कितने रुपए का वापस करूंगा? 20 + 2 = 22 लाख रुपीज वापस करना है मुझे, 22 लाख रुपीज वापस करना है। देखो जरा एंट्री टैली हो रही है क्या? अगर एंट्री टैली हो रही है मतलब मेरा वर्किंग एकदम परफेक्ट था। यहां भी लिख देना रेफर टू वर्किंग नोट नंबर 1, और नरेशन क्या लिखोगे? शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटेड एक्सेस मनी एडजस्टेड, एक्सेस मनी एडजस्टेड एंड रिफंडेड, एक्सेस मनी एडजस्टेड एंड रिफंडेड। एडजस्ट जितना करना था एडजस्ट कर लिया, बचा हुआ हमने वापस भेज दिया, बस यही डिफरेंशिएटेड था। इसके बाद तो वही ड्यू रिसीव ड्यू रिसीव ड्यू रिसीव करते जाओ आप, ठीक है। चलो तो करते हैं अब अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने रुपए की आवश्यकता है? 15 रुपए सर एक मतलब अलॉटमेंट कॉल के हैं और नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख है, तो 15 लाख रुपीज की हम इनसे डिमांड करने वाले हैं, ठीक है जी। 15 लाख रुपए की आपने डिमांड कर दी, बहुत बढ़िया। नरेशन क्या लिख दोगे? अलॉटमेंट मनी ड्यू,
अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब क्या करेंगे, अलॉटमेंट मनी को रिसीव कर लेंगे, जगह नहीं है, नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, अलॉटमेंट मनी को रिसीव करेंगे। तो बना लेते हैं फॉर्मेट, ये रहा फॉर्मेट, फर्स्ट कॉलम डेट, लास्ट कॉलम क्रेडिट अमाउंट, और इधर बन जाता है आपका डेबिट अमाउंट के साथ लेजर फोलियो। ठीक है, चलो क्या करना है, रिसीव करना है। तो कितना रिसीव कर लूं, बैंक अकाउंट डेबिट कितना रिसीव कर लूं सर, कितना रिसीव कर लूं, पूरा कर लूं 15 लाख? गलत, आ जाओ फिर से देखो, हमने कितना एक्स्ट्रा रखा था अलॉटमेंट के लिए, कितना एडजस्टमेंट रखा था, 3 लाख रुपए। तो 3 लाख रुपए ऑलरेडी कहां पर पड़ा हुआ है, कॉल्स एंड एडवांस में। कॉल्स एंड एडवांस क्रेडिट किया था पिछली एंट्री में, देखो यहां पे कॉल्स एंड एडवांस जो है क्रेडिट किया 8 लाख से, तो 3 लाख रुपए कॉल्स एंड एडवांस डेबिट कर देंगे यहां पे हम, कॉल्स इन एडवांस, क्योंकि भैया ये तो ऑलरेडी पैसा दे चुके हैं ना, तो इनसे थोड़ी ना पैसा आने वाला है बैंक में, तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट कर लो टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट, यही तो एडजस्टमेंट कहलाता है, यही तो एडजस्टमेंट किया मैंने। चलो ये तो मुझे मालूम है 15 लाख रुपए से, हाँ इधर कितना आएगा, कॉल्स इन एडवांस 3 लाख रुपए से, और इधर बचा हुआ बैलेंस 12 लाख रुपए मुझे रिसीव हो गया होगा बाकी रिमेनिंग शेयर होल्डर्स से। नरेशन क्या लिखेंगे, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट रिसीव्ड। चलिए अब फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, आफ्टर 2 मंथ लिखा था, तो फर्स्ट फेब मार्च अप्रैल, फर्स्ट अप्रैल को फर्स्ट कॉल ड्यू हो जाएगी। एंट्री क्या बनेगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने रुपए थे, फर्स्ट कॉल में भी 15 रुपए मंगाने हैं, फर्स्ट कॉल में भी 15 रुपए मंगाने हैं, तो 1 लाख इंटू 15 किया तो 15 लाख का आ गया ये अमाउंट। और नरेशन क्या बन जाएगा, फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल ड्यू। अब फर्स्ट कॉल के पैसे मंगा लो, फर्स्ट कॉल के पैसे मंगाओगे एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट। दूसरा यहां पे हमें हमेशा सतर्क रहना कि कॉल्स इन एडवांस पड़ा हुआ है, ये जो 20,000 शेयर होल्डर है ना, इनने ऑलरेडी पैसा दे दिया था एप्लीकेशन वाला ही, हमने इनका पैसा वापस नहीं किया, इनका पैसा कहां रखा हुआ, हमारे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में रखा है, तो उसको इस्तेमाल करते जाओ, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितने रुपए से सर, बैंक में अगेन 12 लाख रुपए ही आएगा, क्योंकि इनका 3 लाख रुपए हमने कॉल्स इन एडवांस से ले लिया है, और इधर 15 लाख रुपए ही आने वाला है। नरेशन क्या लिखोगे, फर्स्ट कॉल शेयर फर्स्ट कॉल रिसीव्ड। चलिए जी ये भी हो गया, अब क्या कर लो, 2 महीने बाद 1 जून को सेकेंड कॉल ड्यू करेंगे, तो शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट, सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या होगा, सेकेंड कॉल ड्यू कितने रुपए से सेकेंड कॉल ड्यू करना है, सेकेंड कॉल ड्यू हो जाएगी 1 लाख शेयर से, और 1 शेयर पे 10 रुपए मांगा था, तो 10 लाख रुपए से जो है वो ड्यू हो जाएगी। ठीक है, अब रिसीव भी तो करना है, तो एक्स्ट्रा सीट लगेगी, जगह नहीं बची, लास्ट एंट्री है ये हमारी, जहां पे हम सेकेंड कॉल को रिसीव करने वाले हैं, सेकेंड कॉल को रिसीव कर लेंगे, लास्ट एंट्री है। चलो कब बनेगी, 1 जून को ही बनेगी, हाँ जी। एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, यहां भी एक्स्ट्रा पैसा पड़ा था, कॉल्स इन एडवांस
अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट, लिख देना सेकेंड कॉल रिसीव्ड। चलिए कितना आ जाएगा बैंक से, हाँ 2 लाख रुपए कॉल सेंटर एडवांस में था, टोटल 10 लाख रुपए मांगा था तो 8 लाख रुपए बैंक में आ जाएगा, 10 लाख रुपए शेयर सेकंड कॉल में चला जाएगा। चलिए क्लियर है जी, एकदम ये बन गया हमारा सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट जरूर बनता है, ये सी केस का पूरा सॉल्यूशन दिखाता हूँ मैं आपको। ये रहा आपका क्या वर्किंग नोट, ये वर्किंग नोट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रही कुछ शुरुआत की एंट्रीज, फिर रही ये एंट्रीज और ये रही लास्ट एंट्री। इतना बड़ा क्वेश्चन था ये, क्लियर है जी। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। आप जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स पे कंप्लीट फ्री एजुकेशन मिलता है क्वालिटी कंटेंट के साथ, तो चैनल को हमेशा सब्सक्राइब करके रखिएगा, वीडियो को लाइक करना गलती से भी ना भूलें। अगर आप नोट्स ग्रैब करना चाहते हैं तो लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।